आगरा के राधा स्वामी के पैरोकार की पुलिस के हाल हुई है जबरदस्त झड़प जिथे कि पुलिस टीम ने उन्होंने इलाका खाली करवाने के वास्ते मना की कोशिश पथराव करना कर दिया शुरू। आखिर क्यों इन्हों राधा स्वामी के वालों कानून पुलिस के उपर ही जो कि अमन कानून बरकरार रखने के वास्ते होंगी है उन्होंने उपर ही कर दिता जाता है बदलाव। आओ तुहानू दसदे हां यूपी के आगरा जिले के दयाल बाग इलाके दे विच एतवार शाम नू पुलिस अते राधा स्वामी सतसंग सभा के समर्थकों के विचाले झड़प हो गई है जिथे कि पुलिस कर्मचारी एक मीडिया कर्मी अते औरतां समेत कुल मिला के 30 लोग जख्मी हो गए ने। दस दिए कि पुलिस अते पैरोकारां दे विचकार शनिवार तो तनाव पैदा हो गया सी जदों फोर्स की एक वड्डी टुकड़ी ने दयाल बाग दे विच उन्हां दे आश्रम दे आले दुआले वख वख रस्तियां दे उपर पैरोकारां द्वारा लगाईयां गईयां कंधां अते गेटां नूं बुलडोजर दे नाल हटा दिता। इस मौके दे उपर राधा स्वामियां ने शनिवार नूं पुलिस दी कारवाई नूं तानाशाही चाल तक करार दे दिता। आगरा प्रशासन ने कहा है कि उन्हां ने आश्रम दे बाहर एक वड्डे खेतर नूं घेर लिया है जिस नाल यात्रियां नूं असुविधा हुंदी है। परंतु हुण इत्थे वड्डा सवाल यह भी उठता है कि आखिर जो जगह तुहाडी है ही नहीं उस दे उपर तक्के दे नाल जाके अपनी मर्जी दे नाल कोई चीज उसार देना अते उस तो बाद जदों प्रशासन आके उन्हां नूं हटाउण दी कोशिश करदा है तां उन्हां दे उपर ही हमला कर देना एक किस प्रकार की गतिविधि है इस दे बारे विच सवाल लगातार उठ रहे ने। दस दिए कि एतवार शाम करीब 4:30 उस वक्त एक माहौल जो सी बहुत ज़्यादा खौफनाक हो जाता है जदों इस सारा कुछ वापरदा है। इस मौके दे उपर जिला मैजिस्ट्रेट भानू चंद्र गोस्वामी ने एक पुलिस टीम नू घटना स्थान दे उपर भेजिया जिथे कि गैर कानूनी ढांचे नू शनिवार नू ही मलबे दे विच तब्दील कर दिता गया सी। इह पता लगाउण लई कि गेट नंबर दे उपर एक गेट अते एक कंध दुबारा लगाई गई है। जी हाँ इह दुबारा तो इस वार दुबारा उस नू निर्माणक दे वास्ते काम करना शुरू करदे ने अते इस मौके दे उपर इह सारा खिलारा पै जांदा है। दस दिए कि राधा स्वामी सतसंग सभा के पैरोकारा ने रणनीतिक तौर पर बच्चों को गोदी दे विच लैके मुड़ तो बने गेट अते कंध दे पिछे बैठ के पुलिस दे आउण दा इंतजार किया। अते पुलिस टीम ने उन्होंने इलाका खाली करवाउण दे वास्ते जदों मनाउण दी कोशिश की तां उन्होंने पुलिस दे उपर हमला कर दिता पत्थरां दे नाल। जी हाँ इस मौके दे उपर पुलिस दे उपर पथराव हुंदा है जिथे कि फौज वर्गी वर्दी पहनण वालियां कुछ महिला पैरोकारा ने पुलिस दे उपर लाठियां दे नाल भी हमला किया। इस तो अलावा इस मौके दे उपर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP सूरज राय ने कहा है कि असी सीधे टकराव तो बचण दी कोशिश कीती क्योंकि भीड़ विच औरतां अते बच्चे सी जो पथराव कर रहे सी अते पुलिस वालियां उते लाठियां दे नाल हमला कर रहे सी। सानू उन्हां नूं खिंडाउण दे वास्ते घट्टो घट्ट 3 वार हल्का लाठी चार्ज करना पिया ताकि किसी नूं नुकसान ना होवे। परंतु फिर भी इस सब दे दरम्यान अजिही हरकत करके राधा स्वामी दे पैरोकार जो ने उन्हां दे वल्लों किस प्रकार दा सुनेहा ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो।